इधर टेंडर में कमीशन मामले में ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईडी ने अब आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को समन जारी किया है। 24 मई को पूछताछ के लिए मनीष रंजन को ईडी ऑफिस बुलाया गया। वहीं मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि बढ़ी और 5 दिन रिमांड पर और रहेंगे मंत्री आलमगीर आलम। अधिकारी मनीष रंजन को समन, ईडी ने 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रहे मनीष। कैश कांड में ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को समन जारी किया है और 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव थे। फिलहाल मनीष रंजन भू राजस्व विभाग के सचिव है। निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम मामले में जांच के दौरान मिले तथ्य पर ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 37 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे, जिसके बाद ईडी ने संजीव लाल जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में पूछताछ में मिले सबूत के बाद मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान ईडी को टेंडर घोटाले को लेकर कमीशन का ब्यौरा मिला था, जिसमें कमीशन का हिस्सा लेने वालों के नाम के बदले कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। ईडी का दावा है कि हिस्सेदारी में एच यानी ऑनरेबल मिनिस्टर, एम मतलब मनीष, एस मतलब संजीव लाल, टीसी यानी टेंडर कमिटी और सी यानी चीफ इंजीनियर जैसे कोड वर्ड लिखे हुए थे। इसी के आधार पर ईडी ने अब ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रहे मनीष रंजन को समन जारी किया है। दूसरी ओर मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड 5 दिन और बढ़ गई है। ईडी के इतने फुल प्रूफ केस के बावजूद और कोर्ट में जो उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसमें सारा वाइट में है, मंत्री जी का करप्शन, उसके बाद उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पद से इस्तीफा दें। माननीय मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी को भी ये संज्ञान लेना चाहिए और उनको मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त करने का जहमत उठाना चाहिए। इस इंडी अलायंस को हम लोग एक नया नाम देना चाहेंगे, HMCA, इज मास्टर्स करप्ट अलायंस। इनसे करप्ट और भ्रष्ट न कोई सरकार आई है न आई। मंत्री आलमगीर आलम की बड़ी रिमांड अवधि, आलमगीर आलम से 5 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी। ईडी ने की थी 8 दिन रिमांड बढ़ाने की मांग। 6 दिनों तक मंत्री से पूछताछ कर चुकी है ईडी। 8 दिन का रिमांड ये लोग प्रे किए थे ईडी वाले, तो कोर्ट ने सारे मेडिकल ग्राउंड्स वगैरह कंसिडर करते हुए 5 दिन का इनको फर्दर रिमांड ग्रांट किया गया। मेडिकल के लिए काफ़ी कंसर्न है, क्या है कि हाई बीपी उनका परसिस्ट कर रहा है और जो उनका स्लीप एपनिया का जो एलिमेंट है वो कुछ बढ़ गया, तो उसके लिए हुआ है कि कुछ डॉक्टर को भी उसमें सुपरविजन दिया जाएगा कि डॉक्टर लोग आके उनको मॉनिटर करेंगे। टेंडर में कमीशन मामले में मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने PMLA कोर्ट में दायर रिमांड पिटीशन में मंत्री की संलिप्तता के सबूत होने का दावा किया है। दूसरी ओर इस मामले में ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब ग्रामीण विकास के सचिव रहे मनीष रंजन को भी ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।